बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास जो है इंटीरियर क्रेनियल फॉसा है, ये इसकी हमारे पास इंटीरियर बाउंड्री फॉर्म्ड विद द फ्रंटल बोन। ये है हमारे पास लेसर विंग ऑफ स्फीनॉइड बोन, पोस्टीरियरली एंड इंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। और ये हमारे पास जो है ये है ऑप्टिक क्यास्मा या सल्कस क्यास्मेटिकस। फ्रंटल बोन एंट्रोलेटरली इनक्लोजेज इट पोस्टीरियरली बाय द लेसर विंग ऑफ स्फीनॉइड एंड इंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस एंड सल्कस क्यास्मेटिकस। ये हमारे पास फ्रंटल बोन है। उसके बाद ये हमारे पास है फ्रंटल क्रेस्ट, ये जो सीधी लाइन नज़र आ रही है। ये हमारे पास इंटीरियर क्रेनियल फॉसा पूरे का पूरा। इसके अंदर ये जो एथमॉइड बोन की ये जो स्ट्रिप नज़र आ रही है, ये है क्रिस्टा गलाए और ये है क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। ये हमारे पास फ्रंटल बोन की ऑर्बिटल प्लेट हो गई। ये हमारे पास है लेसर विंग ऑफ स्फीनॉइड और ये इस पे है इंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। ये है हमारे पास हाइपोफिजियल फॉसा, हाइपोफिजियल फॉसा पोस्ट मिडल में आता है। ये हमारे पास ऑप्टिक केनाल, ये हमें नज़र आ रही है इधर इंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस के साथ ऑप्टिक केनाल। इसके बाद और इंटीरियर क्रेनियल फॉसा में हमारे पास इंटीरियर एथमॉइडल केनाल होती है और यहाँ पे हमारे पास पोस्टीरियर एथमॉइडल केनाल होती है। इंटीरियर और पोस्टीरियर एथमॉइडल केनाल, उसके अलावा ये जो हमारे पास होता है एक आगे सुराख सा, इसको हम कहते हैं फोरामिन सीकम। यहाँ से हमारे पास इंटीरियर वेन पास करती हैं। अब पैसेज की बात कर लेते हैं। इंटीरियर एथमॉइडल केनाल से हमारे पास पास करती हैं इंटीरियर एथमॉइडल वेसल्स। पोस्टीरियर एथमॉइडल केनाल से हमारे पास पास करती हैं पोस्टीरियर एथमॉइडल वेसल्स। उसके बाद ये जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के पोर्स हैं, यहाँ से हमारे पास ऑल्फैक्ट्री नर्व्स के सेंट्रल प्रोसेसेस पास करते हैं। और ये जो हमारे पास ऑप्टिक केनाल है, इसके अंदर से हमारे पास ऑप्टिक नर्व पास करती है। फिर उसके बाद ये ऑप्टिक सल्कस जो मैंने बताया था, यहाँ पे बनता है ऑप्टिक ट्रैक।